आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि आरबीआई की क्रूड कीमतों में उतार चढ़ाव पर नजर है, साथ ही उन्होंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी rather than looking at inflation rates today or yesterday. And given that the MPC has explained its decisions in great detail, our resolutions are possibly the longest of compared to most central banks in the world. It's over 3,000 words, 6-7 pages of single spaced. So we explained our decisions carefully. Also, twice a year we have a monetary policy report. Therefore, I don't think that that our decisions have been backward looking; they have been forward looking. It's just oil prices. A few months ago, June or so, people were talking about oil prices never going above $40 to $45, and some of the advice that came to the MPC and the RBI was based on that. And that has turned out to be wrong by a major way. चलिए इस पे और डिटेल से बात करने के लिए आलोक मेरे सहयोगी मेरे साथ अब जुड़े हैं। आलोक, क्योंकि आप डिटेल से बता सकते हैं कि क्या कुछ हुआ इस बैठक में, आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इसको, लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो कि ऑलरेडी यहां पर लक्ष्य बढ़ा दिया है इस बजट में FY19 के लिए, इनफैक्ट FY18 के लिए भी, अब वित्त मंत्री का कहना है कि कुछ बड़े स्लिपेजेस की गुंजाइश बहुत कम है, फिस्कल घाटे का लक्ष्य जो है वो पा लेंगे, और एमपीसी का जो फैसला था ब्याज दरें नहीं बढ़ाने का या फिर घटाने का वो बिल्कुल ठीक था उनके हिसाब से। बिल्कुल, देखिए जो फिस्कल डेफिसिट को लेकर जो सरकार का आकलन है उसके मुताबिक वित्त मंत्री का साफ तौर पर यह कहना है कि नेक्स्ट ईयर फिस्कल स्लिपेज की स्थिति नहीं आएगी। इस साल भले ही हमें थोड़ा सा फिस्कल स्लिपेज लेना पड़ा, लेकिन अगले साल चूंकि हमारे रेवेन्यूज ठीक होंगे और साथ ही साथ जो GST के कलेक्शन भी उन्हें उम्मीद है कि बढ़ेंगे, तो इसलिए फिस्कल स्लिपेज की या फिस्कल डेफिसिट में ज़्यादा और बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। जो उन्होंने टारगेट किया हुआ है बजट में बिल्कुल उसी हिसाब से चलेगा, तो फिस्कल डेफिसिट को लेकर सरकार इस वक्त पूरी तरह से आश्वस्त है। दूसरी बात जो LTCG को लेकर किया जा रहा है, LTCG को लेकर सरकार एकदम से कंफर्म है कि इसको रोल बैक फिलहाल नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ आपने अगर सेबी चेयरमैन की बात सुनी होगी तो सेबी चेयरमैन ने भी साफ तौर पर कहा कि चूंकि मार्केट बूम कर रहा था और इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था LTCG पर टैक्स लगाने के लिए, तो बिल्कुल सही टाइमिंग थी LTCG टैक्स लगाने के लिए। और उसके बाद जो जब उनसे पूछा गया कि क्या इन्वेस्टर्स की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन भी आपकी तरफ आया हुआ है कि LTCG टैक्स को लेकर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं आया। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सेबी चेयरमैन की तरफ से भी और वित्त मंत्री की तरफ से भी LTCG को लेकर रोल बैक के कोई संकेत नहीं मिले हैं, और खासतौर से अगर देखें तो सरकार अपने जो एक रैशनल है, जो एक रीजनिंग दे रही है LTCG लगाने के पीछे, उसको लेकर बिल्कुल फर्म है और फिलहाल इसमें कोई रोल बैक की फिलहाल कोई संभावना नहीं नजर आती है। तो LTCG को लेकर सरकार भी साफ है, RBI भी साफ है, और साथ ही साथ सेबी भी साफ है। जहां तक दूसरे इश्यूज हैं, MSP का सवाल है, इन्फ्लेशन का सवाल है, RBI ने इसमें साफ तौर पे कहा है कि इन्फ्लेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक बार पहले भी उनका आकलन गलत हो चुका है खासतौर से क्रूड को लेकर। तो ऐसे में इस वक्त क्रूड के प्राइसिंग किस तरफ जा रही है, कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि क्रूड की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, लेकिन जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसमें हम इन्फ्लेशन का कोई ऐसा टारगेट नहीं लेकर चलेंगे या कुछ उसको लेकर बहुत ज़्यादा हम पॉलिसी में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। और इसी वजह से जो इस वक्त जो पॉलिसी आई है उसमें हमने सारी चीज़ों को फैक्टर इन किया हुआ था, और जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल सोच समझ कर, और जो लेजिस्लेटिव बॉडी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने सोच समझ कर फैसला लिया है, तो इसलिए कोई इसमें गुंजाइश नहीं थी इस वक्त रेट कट करने की। और वित्त मंत्री ने भी खासतौर से देखा इसका समर्थन किया, तो सरकार को भी और RBI के बीच अगर कहें तो जो बार बार जो खबरें आती हैं कि तालमेल नहीं है, इस बार तो पूरी तालमेल नज़र आ रही है, और जो सरकार का एक तरह से जो आउटलुक है उसको लेकर RBI भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर इन्फ्लेशन को लेकर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार भी बिल्कुल इस तरह से आश्वस्त है कि अगर MSP बढ़ाने की वजह से कहीं थोड़ा बहुत असर भी पड़ेगा तो सरकार उसको फैक्टर इन करने के लिए तैयार है। 4%+-2 का जो टारगेट लेकर सरकार चल रही है, तो उसमें हो सकता है कि इस बार जो अभी नेक्स्ट आंकड़े आने वाले हैं उसमें 5.5% से थोड़ा क्रॉस कर जाए, लेकिन फिर भी जो टारगेट है, जो उनका लेवल है, जो ऊपरी लेवल है, उससे कंफर्टेबल ही रहेगा। तो कुल मिलाकर
इन्फ्लेशन को लेकर भी और LTCG को और दूसरे इश्यूज को लेकर भी सरकार और RBI के बीच में पूरी तरह से तालमेल दिख रही है, और खास तौर से देखें तो LTCG को लेकर कोई फिलहाल अभी गुंजाइश जो है एक तरह से राहत की गुंजाइश नहीं दिख रही है। और वित्त मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि जो LTCG की वजह से हम बार बार बात कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में एकदम से गिरावट है, ऐसा नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरीके का कार्नेज देखने को मिल रहा है वो बड़े क्यूज इंडियन मार्केट्स उसी से प्रभावित ज्यादा हो रहा है, स्पेशली अमेरिका मार्केट पे। जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने की बात हो रही है उसका असर भी इमर्जिंग मार्केट्स पे, यानी कि यहाँ पर जो इंडियन मार्केट्स और ऐसे द एशियन मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। लेकिन आलोक, साफ तौर पे क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये जो फैसला रिकैपिटलाइजेशन का, ये भी काफी बेहतर स्टेप है, और इसमें RBI की जो बैठक हुई इसमें इस पर भी काफी चर्चा हुई। साफ तौर पे वित्त मंत्री का ये भी कहना था कि क्रेडिट ग्रोथ अब स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी बैंकों की। बिल्कुल, सरकार को पूरी तरह से इस बात की आशा है कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी। हालांकि पिछले दिनों इसको लेकर काफ़ी बड़ा कंसर्न रहा, लेकिन जिस तरह सरकार ने जो बैंक रिकैप का फैसला लिया उसके बाद सरकार को पूरी उम्मीद है कि क्रेडिट ग्रोथ होगा, और जो बैंक भी अभी जो हिचकिचा रहे हैं हिचकिचाएंगे नहीं। और जिस तरह से देखा आपने कि जो इंटरेस्ट रेट में भी जो कमी आई पोस्ट डिमोनेटाइजेशन ही आई है, तो सरकार भी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी ठीक रहेगा, और साथ ही साथ जो क्रेडिट ग्रोथ होगा वो भी बढ़ेगा, और बैंक रिकैप से इसका बहुत ही पॉजिटिव असर बढ़ेगा, और आने वाले दिनों में क्रेडिट ग्रोथ को लेकर जो चिंता जताई जा रही है वो भी खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया डिटेल से बताने के लिए कि इस बैठक में क्या कुछ निकल के आया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बैठक और भी थी, वो थी सेबी की बोर्ड बैठक। सेबी बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। आज हुई बोर्ड बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अच्छा है। सेबी का फिलहाल कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का दायरा बढ़ाने पर जोर है, और कंपनियों के लिए 25% मिनिमम बोरोइंग पर नियम सितंबर तक आ सकते हैं। सेबी चेयरमैन के मुताबिक इस साल बॉन्ड मार्केट में मजबूती आने की उम्मीद है। इसके साथ ही अजय त्यागी साहब ने यह भी कहा कि डेटा शेयरिंग पर स्टॉक एक्सचेंजेस ने जो भी फैसला किया है वो सोच समझ कर किया है। वहीं अगली बैठक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। इस बजट टू अनाउंसमेंट्स व्हिच हैव बीन मेड, दे विल फर्दर हेल्प इन फर्दर डीपनिंग ऑफ द बॉन्ड मार्केट। वन इज 25% बोरोइंग्स बाय लार्ज बोरोअर्स थ्रू द बॉन्ड मार्केट। We will come out with regulations on this by September of this year. Obviously, those regulations will be light touch regulations because it is to encourage corporates to move towards the bond market. And on the other announcement of pension funds and insurance companies being allowed to invest in A-rated bonds, that's also a very good announcement. And that only is a provision which has been given. It is for the individual pension trusts or insurance companies to apply their mind as to where to apply, because we do understand that they have money in fiduciary capacity, but this is what has been enabled and which will further hopefully develop the bond market. Corporate Governance Committee ki report hame October mein aa gayi thi, usme public comments bhi hamare paas aa gaye hain. हमारी ये कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में इसको ले जाएं। हमारे डिस्कशंस भी प्रिलिमिनरी कुछ हो चुके हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स से और फाइनेंस मिनिस्ट्री में, एंड मेरा ये मानना है कि इसको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में हम कोशिश करेंगे ले जाने की। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं बॉन्ड की यील्ड है, ये तो एक मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक है, और ये तो हमेशा होगा, कभी यील्ड कम होगी कभी बढ़ेगी, बॉन्ड प्राइसेस को इसमें वोलेटिलिटी आएगी। तो इसको इस चीज से नहीं देखना चाहिए कि सेबी क्या चाहता है या फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या चाहते हैं। वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा देना है, बट ये उतार चढ़ाव तो मार्केट में लगा रहता है। जैसे भी आज आप देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में 1000 पॉइंट का कभी गिराव आता है कभी 500 पॉइंट का आता है, इसका मतलब थोड़ी कि इक्विटी मार्केट बंद हो जाएगा, इक्विटी मार्केट नहीं चलेगा। वहीं सबसे बड़ी खबर तो यह है कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले एसजेक्स निफ्टी पर जल्द बैन लगने जा रहा है। जी हां, देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेस BSE, NSE और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो तत्काल प्रभाव से विदेशी एक्सचेंजों को डेटा शेयरिंग बंद कर देंगे।
हालांकि ट्रेडिंग को बंद करने से पहले नोटिस पीरियड का भी पालन किया जाएगा। ये नोटिस 6 महीने का है, जिसके बाद एसजेक्स निफ्टी की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। वहीं इन एक्सचेंजों ने तत्काल प्रभाव से विदेशी एक्सचेंजेस को डेटा शेयर करना बंद कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी एक्सचेंजेस और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भारतीय स्टॉक इंडेक्स डेरिवेटिव का डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे। इन एक्सचेंजेस का कहना है कि विदेशी प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग के चलते भारत से लिक्विडिटी बाहर चली जाती है। दो चीज इसमें हमने कही है, एक तो जो इंडेक्स लाइसेंसिंग अरेंजमेंट है एक्सचेंजेस की, हमारी जो एसजीएक्स के साथ है और दूसरे एक्सचेंजेस के साथ भी है निफ्टी के लिए, वो हम टर्मिनेट करेंगे। तो वो नोटिस पीरियड, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी नोटिस पीरियड है, वो नोटिस पीरियड के हिसाब से टर्मिनेट करने पड़ेंगे। तो एसजीएक्स के साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 6 मंथ नोटिस पीरियड है, तो 6 महीना नोटिस के बाद एसजीएक्स निफ्टी टर्मिनेट हो जाएगा। वहीं इम्पैक्ट तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़ी पोजीशन जो वो एसजेक्स निफ्टी पे बनाते हैं, चाहे आप इसे किसी भी मुद्दे का नाम दे दें, टैक्स इश्यूज के चलते हो सकता है एसजेक्स निफ्टी पे ज्यादा ट्रेड होता हो। तो अगर आप एसजेक्स निफ्टी पर ही ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं तो इसका असर डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स पे भी देखने को मिलेगा। मार्केट एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये फैसला घरेलू मार्केट के लिए काफी सकारात्मक है और इससे घरेलू मार्केट पे लिक्विडिटी बढ़ेगी। हालांकि छोटी अवधि में इस फैसले का मार्केट पर कुछ असर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। वेल आई थिंक ये डेवलपमेंट पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए इन अ वे, इन डिफरेंट वेज। इससे वेरी क्लियरली वॉल्यूम्स जो बाहर शिफ्ट हो रहे थे वो एटलीस्ट डोमेस्टिक मार्केट्स में वापस शिफ्ट हो सकते हैं या हो जाएंगे। आई थिंक इसकी वजह से काफी टैक्सेस जो थे इन सब गेन्स पे, वो टैक्सेस भी बाहर पे हो रहे थे, या फिर अगर इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शन में हो जहाँ पे टैक्सेस ही ना हो तो एफआई इस तरह के ट्रांजेक्शन पे टैक्सेस ही नहीं भर रहे थे। तो अगर ये वॉल्यूम जहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो इस पे जो भी गेन्स होता है उस पे टैक्सेस भी एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स को मिलेगा। इससे शायद एफआई को जो हेज वो करते थे आफ्टर मार्केट आज डिपेंडिंग ऑन ग्लोबल मार्केट मूवमेंट, तो वो हेजिंग की अपॉर्चुनिटी शायद अब ना मिले, क्योंकि इंडियन मार्केट्स रात को नहीं खुले रहते हैं।